क्वालिटेटिव रिसर्च में ख़ास पे लेकिन क्वांटिटेटिव में भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है ये एक किस्म की पिक्चर है आपकी रिसर्च की कि आप का कॉन्सेप्ट क्या था फिर उसकी मैथडोलॉजिकल इंटरप्रटेशन या अंडरस्टैंडिंग क्या है और फिर उसकी के लिए क्या है मोर स्पेसिफिकली आपकी कंसेपचुअलाइजेशन क्या है फिर ऑपरेशनलाइजेशन क्या है और फिर उसकी थ्रिटिकल अंडरपिनिंग क्या है तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियाज़ है यानी लॉजिकली अरेंजमेंट है आइडियाज़ की मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं वटा सटा शादियाँ या एक्सचेंज मैरिजेज़, कहीं पे मैंने पढ़ा रेसीप्रोक प्रोसिकल मैरिज या मैरिज रेसिप्रोसिटी तो आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं वट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट तो जनरली आप अपनी पॉपुलेशन में ये आपने पहले जब ये किस्म का डेस्क वर्क है बिफोर फील्ड इससे पहले कि आप फील्ड में जाएँ तो पहले ये किस्म की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होना जरूरी है यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मैंने आपको तीन हिस्से बताए पहला हिस्सा कंसेप्चुअल डेफिनेशनल या दूसरा हिस्सा उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन और फिर तीसरा हिस्सा उसकी थ्रिटिकल डेफिनेशन इन तीनों का कहाँ है, लॉजिकल अरेंजमेंट है और कैसे एक जैसे हैं जैसे आप वटा सटा जो टर्म है बेसिकली वटा वटा आप समझते हैं एक स्टोन है थ्रो इट इट्सियर टू दी अदर एंड इन रेसिप्रासिटी एल्स इज आल्सो थ्रोइंग तो ये एक किस्म का वटा लोकल साउथ एशियन साउथ पंजाब के अंदर ये कामन टर्म है और मेरे ख्याल है बाकी भी वाइडर इन पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन कुछ जगहों पे इसको अदल बदल कहा जाता है अदल बदल से मुराद कि आप गिव एंड टेक आप कोई चीज़ देते हैं और लेते हैं पर पश्तो का लफ्ज़ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फिर कहीं पे इसका कुछ और नाम दिया जा सकता है जो डिफरेंट है आ, अरेबिक में भी अदल बदल कहते हैं क्योंकि ये मिडल ईस्ट में भी ये टर्म एग्जिस्ट करती है फिर आप अपनी ऑब्जरवेशन कर के थ्रू कि जी मिसाल के तौर पे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि मैंने लोगों को इस्तेमाल करते सुना या देखा तो आ, ये आपकी ऑब्जरवेशन इसमें इम्पोर्टेंट है फिर एम्पेरिकल डेफिनेशन मिसाल के तौर पे जो ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर है उन्होंने इसको एक्सचेंज मैरेजेज़ कहा या वटासटा कहा या अदल बदल कहा या रेसिप्रोकल प्रोस्टी कहा या रेसिप्रोकल मैरिजेस का तो व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वाइल कीपिंग इन व्यू द ऑलरेडी स्टडीज डॉक्यूमेंटेड और फिर इसकी थोरिटिकल अंडरपिनिंग क्या है मिसाल के तौर पे ये वटा सटा या जो एक्सचेंज मैरिजेस हैं या रेसिप्रोकल मैरिजेस हैं या अदल बदल है तो क्या ये डायरेक्ट एक्सचेंज है या इनडायरेक्ट एक्सचेंज है या जनरलाइज्ड एक्सचेंज है या ये सोशल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये कल्चरल स्टडीज़ uh, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं तो विच थीरी इज़ दी मोस्ट हाँ एक और इम्पोर्टेंट कि ये जो रेसिप्रोकल मैरिज़ हैं या ये जो वटा सटा का सिस्टम है क्या इसके अंदर थीरी ऑफ रैशनल चॉइस है कि लोग जितना भी डिसीजन करते हैं ये रैशनल चॉइस की वजह से या क्या ये थीरी ऑफ मेट सेलेक्शन है कि पॉलीगैमी पलेंड्री ये जितने भी मैरिजेस की टाइप्स हैं क्या ये उसकी वजह से जो थीरी जनरेट की गई है कि मेट सेलेक्शन की या ह्यूमन नेचर की ये उसकी वजह से है या इकोनॉमिक्स की थीरीज हैं कि लोग इंटरेस्ट की बेस पे काम करते हैं या साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं साइकोलॉजी की डोमेन है कि ये हैं फीलिंग्स हैं पसंद हैं नापसंद है तो ये कौन सा थ्रिटिकल लेंस है जो उसके लिए मोस्ट है तो कन्सपचुअल फ्रेमवर्क जो है ना सिर्फ हमें कंसेपचुअल डेफिनेशन बल्कि लिटरेचर डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन और थीरी का मजमु है फिर इसको आपने सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करना है कि क्या ये आ, कौन सी थीरी के ज़्यादा नज़दीक है क्या ये फिनमना जो है वो क्योंकि सारी थीरीज किसी न किसी एंगल से उस उसी फिनना को एक्सप्लेन कर रही हैं तो आप जो आ, लेंस लेना चाह रहे हैं क्या वो लेंस मोस्ट अप्रोप्रीट है है तो किस वजह से मैं थीरीज ऑफ स्पाउस सेलेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से इस फिनना को एक्सप्लेन कर रही हैं या थीरीज ऑफ स्ट्रक्चर कल्चर एंड एजेंसी ज़्यादा अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर रही हैं या थीरीज ऑफ रैशनल चॉइस मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो ये तीनों के दरमियान में एक किस्म की लॉजिकल अरेंजमेंट है पहले कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो आप ले रहे हैं लिटरेचर के अंदर क्या है और आपकी ऑब्जर्वेशन में पॉपुलेशन में क्या है लेट मी रिमाइंड अगेन कि ये बेसिकली डेस्क वर्क है आप अभी फील्ड वर्क में गए नहीं हैं उससे पहले का काम है और वो करके फिर आपने फील्ड में जाना है एटलीस्ट आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो दैट मे चेंज इन द फील्ड वर्क और डेफ़िनेटली चेंज होना चाहिए क्योंकि वहाँ कल्चरल सेटिंग्स हैं वहाँ लोकल मीनिंग्स हैं वहाँ पापुलेशन जो है वो कैसे उसको या लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कन्सेप्ट जो है वो बेसिकली तो वहाँ से रिफाइन होगा इन क्वालिटेटिव रिसर्च लेकिन उससे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बारे में बल्कि उससे रिलेटेड स्टडीज़ के बारे में और थीरी के बारे में लेकिन एक और भी बात याद रखिएगा कि ये जितना भी काम है ये बाद में भी हो सकता है यानी आप पहले जाएं फील्ड वर्क करें और फिर आके उसको एम्पेरिकल वर्क से रिलेट करें थेटिकल वर्क ये सेकेंड अप्रोच जो है वो रियल एसेंस है लॉजिक इन प्रैक्टिस के करीब यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की सही लॉजिक एसेंस जो है वो सेकंड इंटरप्रटेशन है जिसमें आप पाइल्स ऑफ डाटा पहले लेते हैं फिर उसको स्टडीज के साथ लिंक करते हैं लिटरेचर के साथ लेकिन अगर आप अगर पहले भी पढ़ के जाएंगे एटलीस्ट एज ए गुड प्रोफेशनल रिसर्चर आपकी पहले भी अंडरस्टैंडिंग उस इशू के बारे में होगी तो आप ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकेंगे लेकिन अगर नहीं होगी तो फील्ड से डाटा लेने के बाद आपकी जो डेवलप होगी वो कंक्रीट होगी अथेंटिक होगी एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क